अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मुश्क के ऊपर है। आप इसको कस्तूरी भी कहते हैं, ठीक है, कस्तूरी के ऊपर है ये। इसके मतलब आज डिटेल से बताऊंगा। पहले ये बताऊंगा कि ये किस जानवर में से निकलती है और इसको परख पहचान और इसके बारे में मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, ताकि एक वीडियो में इतनी चीज़ें कवर हो जाएँ कि आपको इस चीज़ का फुल आइडिया हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। मुश्क ये एक हिरन होती है, एक ख़ास किस्म का हिरन होता है, उसके में से निकलता है। उसके नाव के साथ एक छोटी सी झिल्लीदार यानी कि एक थैली होती है, उस थैली के अंदर मुश्क होती है। ये नाव के साथ होती है इसलिए इसको नाफा कहा जाता है, उसकी मुशाबत की वजह से नाफा कहते हैं, जबकि ये नाव नहीं होती, नाव के साथ एक झिल्ली होती है, ठीक है, उसमें ये होता है। तो ये नाव जो होती है जब ये पक जाती है, तैयार हो जाती है, पुख्ता हो जाती है, उस टाइम इसकी खुशबू कई मीलों तक जाती है, बहुत दूर दूर तक इसकी खुशबू रहती है। और अक्सर फीमेल मादियाँ होती हैं वो इस नर के पीछे पीछे रहती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। ये जो हिरन है ये को हिमालिया की पहाड़ियों की बुलंदियों के ऊपर यानी 8000 फीट बुलंदी में रहने वाला जानवर है। इस हिरन की जो खुद पहचान है वो क्या होती है, इसके दांत बाहर निकले होते हैं, लंबे लंबे दांत जो जबड़ों से बाहर होते हैं, और दूसरी चीज़ होती है ना तो इसके सींग होते हैं और ना ही इसकी दुम होती है। ठीक है, तो ये हिरन होता है और ये नर हिरन में से निकलती है। ठीक है, ये कस्तूरी सिर्फ नर हिरनों में से निकलती है। और इसका इसको निकाला यानी हासिल कैसे किया जाता है, ये एक होता है जब इसका टाइम पुख्ता हो जाता है, जब ये तैयार हो जाता है। अक्सर नर जो है ब्रीडिंग के बाद जो है ना बाद में ये खुद भी गिरा देते हैं, यानी कि इसको टांग मार के पाँव मार के इस थैली को गिरा देते हैं। जब ये गिर जाती है तो अक्सर जो शिकारी जब पहाड़ों की सतहों पर जाते हैं तो उनको ये थैलियाँ गिरी हुई मिलती हैं। ये जो है इसकी इतनी ताकत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये अपनी उम्र पूरी कर चुकी होती है, लेकिन उसके बाद ये गिरा देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई हो जाती है। तो जब उनको मिलती तब ये उतनी ताकतवर नहीं होती, लेकिन है मुश्क ही होती है, असल ही होती है, लेकिन इसमें ताकत में फ़र्क होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि शिकारी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये जब पुख्ता हो जाए, पक जाए, ठीक है, सही अपने जोबर में आ जाए कस्तूरी, ये तब जो है ये उस हिरन का शिकार करते हैं। शिकार करने के फौरन बाद सबसे पहले ये जो नाफा होती है थैली, इस थैली के बैक साइड से इसको धागे से बांध देते हैं, अच्छे तरीके से धागे से बांध देते हैं, ताकि इस थैली के अंदर बेसिकली ब्लड होता है, ताकि ये ब्लड वापस ना चला जाए। ये ब्लड को इसी के अंदर रखते हैं, फिर उधर से जहाँ से धागा बांधते हैं उसके बैक साइड से काट देते हैं, फिर इस नाफा को कुछ टाइम के लिए रख देते हैं खास मुद्दत तक, फिर ये ड्राई हो जाता है। जो अंदर का खून है वो जब ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, तो वो मुश्क बन जाता है, ठीक है, उसकी खुशबू यानी कि वो एक ड्राई फार्म में बन जाता है। तो ये इस तरीके से ये हासिल करते हैं, ठीक है। और फिर इसको क्या होता है कि ये अगर नाफ के अंदर है तो नाफ के अगर अंदर रखो तो 3 साल तक इसकी जो है वो इसकी उम्र होती है। अगर नाफ से निकाल के सेल परचेज करो, खुला हालत में जब आप लेते हो तो वो 1 साल तक उसकी उम्र होती है, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो जाता है और दानेदार होना शुरू हो जाता है। तो खुली फार्म में जो है ना 1 साल तक इसकी उम्र रहती है। बाकी जो ये नाफ है ये कुछ लालची दुकानदार क्या करते हैं, इस नाफ को अंदर से खाली करके इसमें मुश्क दाना भर देते हैं, ठीक है। और कुछ ये भी करते हैं कि जो मुश्क होती है जो नकली या मसनू बना के तैयार करके देते हैं, इसमें क्या होता है इसके अंदर इसको पहचानना हो असली या नकली है, इसमें अगर आप एक सुई को गर्म करके उसको लहसुन में डिप लगाओ, लहसुन में डिप करके निकाल के फिर इस नाफ में लगाओ तो गंदी स्मेल आती है, गंदी, ठीक है। तो वो मतलब मसनू चीज़ों की है, मसनू की है, असल में जो है खुशबू, जो असल नाफा है उसमें खुशबू पैदा होती है, उसमें खुशबू होती है, लेकिन जो नकल होती है उसमें गंदी स्मेल होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो है इसमें जो नकल होती है मसनू होती है इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन जो असल मुश्क है उसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता, उसमें कीड़े नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ ये होती है कि इस नाफ के अंदर जो नाफा के अंदर जो अंदर से ही कैसा होता है, इसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं, ठीक है, इन खाने होते हैं, जो नकली नाफा होता है उसके अंदर कोई खाना नहीं होता, ठीक है, एक ये भी इसकी पहचान का तरीका होता है। तो ये अंदर खाने बने होते हैं, तो ये जो नाफ है ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। जो कस्तूरी होता है इसका मिजाज तीसरे दर्जे में गर्म होता है और दूसरे दर्जे में खुश्क होता है, यानी कि ये गर्म होती है बहुत ज़्यादा और जिसम में खुश्की भी पैदा करती है। इसके साथ जो है ये कहाँ का मतलब इसका क्या क्या फंक्शन है, ये दिल, दिमाग, कल्ब और जिसम के हर हिस्से को ताकत देती है, यानी कि सर से लेकर पाँव तक एक एक चीज़ को ये एनर्जी देती है। आमतौर पर कुव्वत पा के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके अलावा फालज, लकवा और मिर्गी और इसके अलावा एक राशा बीमारी होती है जिसमें हाथ कांपते हैं, ठीक है, बड़ी एज में जाने के बाद अक्सर इंसानों के हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, उसमें भी इसको मुख्तलिफ माजूनों में इस्तेमाल करके इंसानों को दिया जाता है ताकि उसको उसमें ताकत पैदा हो और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, ठीक है। मैं बताना ही चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। अब आते हैं कबूतरबाजी के अंदर, कबूतरबाजी के अंदर कस्तूरी को कहाँ ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कबूतरबाजी के अंदर कस्तूरी को
लोग मुख्तलिफ लोग जो पुराने उस्ताज़ा कराम या पुराने हाथ हैं जिनके पास, जो देसी लोग हैं साइडों पे एरिए में होते हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, ये लोग कस्तूरी से माजून तैयार करते हैं। ठीक है, माजून बनाते हैं जिसमें कस्तूरी, अंबर, ज़ाफ़रान, मोती और इस तरह तकरीबन 20 से ज़्यादा चीज़ें इसमें डलती हैं, और बना के जब ये एक गोली बनाते हैं माजून की सूरत में, तो ये माजून कबूतरों को परवाज में इस्तेमाल कराते हैं। तो इस माजून का फंक्शन क्या होता है, इंतहाई ताकतवर चीज़ होती है और परिंदे को बहुत एनर्जी और बहुत ताकत देती है। ठीक है, अब इसके इस्तेमाल से फ़र्क क्या पड़ता है, एक आम कबूतर जो सिंपल परवाजें दे रहा है फड़कों में आप दे रहे हो, तो वो कबूतर 12-1 बजे बैठ रहा है, 2 बजे तक जा रहा है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, 2-4 खुराकों के बाद, यानी कि जब फड़कें ली जाती है वक्फे वक्फे से कबूतर को दिया जाता है, तो चंद खुराकों के बाद, 2-4 खुराकों के बाद आपके कबूतर की चाल बदल जाती है। वही कबूतर जो 12-1 बजे रूटीन में बैठ रहा होता है, वो कबूतर 4-5 के खाने में बैठना शुरू कर देता है। उसकी एनर्जी, उसकी ताकत, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो चुकी होती है, और वो यानी उसकी रूह चेंज हो जाती है। ठीक है, उसकी परवाज़ों में बड़ा वाजह फ़र्क होता है। और इसके साथ अगर आप क्या करो, अगर आप इसी माजून को, जैसे आजकल इंग्लिश और देसी मिक्स चल रहा है, अगर आप इसके साथ इंग्लिश टच भी साथ कर दो, इंग्लिश चीज़ों को भी कम्बिनेशन हल्का हल्का उठवा दो नुस्खे में, यानी कि हीट मरवा दो, तो वही कबूतर जो है शाम के अंधेरों में रात तक जाके बैठता है, यानी कि उसकी परवाज़ पहले से भी लंबी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ होती है कि कस्तूरी चूँकि गर्म और खुश्क है, और ये काफ़ी गर्म चीज़ है, लिहाजा जब भी कभी इस तरह से कुछ और चीज़ें आप बनाए, जब बनाते हो या कोई माजून बनाते हो जो जैसे भी, ठीक है, किसी उस्ताद की रहनुमाई में बनाई जाती है, तो इसमें यही देखा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बर्ड्स ने खुश्क होना है, आहिस्ता आहिस्ता, अगर बहुत ज़्यादा देते जा रहे हो तो कबूतर आहिस्ता से वेट छोड़ेगा, लिहाजा आपने पहले दिन से ही कबूतर का वेट मेंटेन रखना है। ठीक है, आप खोए का इस्तेमाल, आप पनीर का इस्तेमाल, आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल साथ साथ रखोगे, जैसे बादाम खुद जो होते हैं तार होते हैं, वजन पूरा करते हैं, आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल साथ साथ रखोगे कि परिंदा अंदर से तर रहे। ठीक है, जब तक आपका परिंदा तर रहेगा उसका वेट आप पूरा करते रहोगे। ठीक है, परवाज़ ली, बाद में संभाला, तैयार किया, फिर वजन पूरा किया, फिर परवाज़ ली, तो आप चलते रहोगे। ठीक है, ऐसा कबूतर लगातार परवाज़ भी देता रहेगा और लगातार आपको फीलिंग करनी पड़ेगी, उसको फिर दोबारा तैयार करके ऊपर खड़ा करना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक था वो कस्तूरी के ऊपर था, ये कैसे कहाँ से हासिल होती है, इसके बारे में क्या डिटेल थी, इसकी पहचान क्या है। तो मेरे पास जो जो नॉलेज था, जो मैंने इसको समझा, जितना मेरे पास था मटेरियल, मैंने आपको शेयर कर दिया। उम्मीद है आप सब दोस्तों को इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मेरा इस तरह की चीज़ों पे वीडियो बनाना, देसी चीज़ों को सामने लेके आना, मकसद ये होता है कि हमारा शौक बेहतर हो, हम आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों की तरफ जाएँ जो नेचुरल हैं, जो ताकतवर चीज़ें हैं, बजाय हम मेडिसिन और उन चीज़ों की तरफ जाएं जिससे हमारा बर्ड ज़ाया होता है और नुकसान भी होता है। तो इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जब आपको शौर पैदा होगा तो इंशाल्लाह कबूतरबाजी में वाजिया फ़र्क आएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें वो लोग जो कस्तूरी अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात 10-12 हज़ार रुपया ये ग्राम है, ठीक है, इससे ऊपर भी रेट ऊपर नीचे हो जाता है, जब आप नाफा लेते हो तो आपको सस्ता मिलता है, लेकिन खुली फार्म में थोड़ा सा महंगे मिलती है। तो इस इतना महंगे के बजाय मैं आपको क्यों ना एक मुतबादल चीज़ बता दूँ, एक ऐसी चीज़ बता दूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अभी उसका नाम नहीं लेता, लेकिन नेक्स्ट एक वीडियो में मैं इसके मुतबादल चीज़ बताऊँगा जो इसके मुतबादल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो वो इस्तेमाल कर लो, तो वो भी इसी तरह जो है एनर्जी पैदा करेगा। ठीक है, वो एक जानवर है, उससे हासिल होने वाली चीज़ है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। तो इंशाल्लाह आप, उम्मीद है आप ये वीडियो को आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, और आप नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं वो भी जल्द बना दूंगा। और उम्मीद है सब दोस्तों को आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।